उसके बाद हम लोग जा रहे जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जुमा की। और जो इरादा था हमारा वो इरादा मतलब हो चुका है, मरकज़ का था, लेकिन खैर अभी बारिश यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है तो उस वजह से हम लोग जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। तो चलते हैं अंदर, अभी थोड़ा टाइम है, 5-10 मिनट है। हाँ असद भाई भी हमारे, वजू कहाँ करेंगे भाई तू? अब ये चाचा ने बोले वजू करी जगह है अंदर, आए अंदर बैठे जगह। तो चलते हैं अंदर, जाते हैं अभी देखते हैं बारिश ज़्यादा बढ़ ना जाए, क्योंकि मोबाइल भीग जाएंगे अपने दोनों भी आपके। उसके बाद गाइस नमाज हो चुकी है हमारी यहाँ पे जामा मस्जिद में, जैसे हमारा इरादा था उसके हिसाब से मतलब हो गया। मैंने ख्वाहिश थी कि हम दिल्ली के जामा मस्जिद नमाज पढ़े, जो कि सबके मुकद्दर में होता है, हमको मिला है माशाल्लाह। ये देखिए जामा मस्जिद पीछे से इतनी गर्दी, बहुत गर्दी। क्या जामा मस्जिद से बाहर निकले ना तो देखो कितना खूबसूरत सीन है यहाँ का, जामा मस्जिद के बाहर का। और ये यहाँ पे ना बाजार है, ये काफ़ी फेमस बाजार है यहाँ का। तो क्या बोलते हैं, कैसी लगी जामा मस्जिद? जामा मस्जिद कैसी लगी गाइस कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारी। आज असल में बारिश का मौसम हो गया, हाँ आज ना बारिश की वजह से नहीं, थोड़ा सा मतलब कम पब्लिक थी यहाँ पे, तो बहुत पब्लिक होती है यहाँ, मतलब जगह नहीं मिलती नमाज़ पढ़ने के लिए। मतलब अच्छा लगा यहाँ पे नमाज़ पढ़ना, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सुकून है अंदर। जो टेक्चर जो है ना उसका पुराना पुराना स्टाइल, मतलब पुराना जो बनाया हुआ है इतिहास जिसे बोला जाता है, वो रियल है, हम नहीं बना सकते वैसे अपना, ऐसी फीलिंग भी नहीं आएंगी अभी बनाएगी तो, जैसा पुराना पुराने से बनाया हुआ। आगे चलते हैं, हम भीड़ बहुत है, और मिलते हैं आपसे वापस। तो फरहान भाई तुम्हारा क्या रहता है, कुछ लेने का रहता है अभी? लेंगे ना अभी, यहाँ से तो नहीं लेंगे लेकिन आगे से लेंगे। मैं तो मेरा कुछ नहीं, मेरा तो इरादा है कि पहले खाना खा लेंगे, खाना खाएंगे फिर लेंगे। नीचे उसके बाद नहीं है, तो यहाँ के निकले डिश है और ये इनका प्राइस है। रीजनेबल है, कोई मतलब इतना ही नहीं है।
बॉस तुम्हारा क्या बोलना है? आज बटर चिकन चाहिए, बटर चिकन पानी आ चुका है। ये हमारे दोस्त लोग हैं सब, हम इस ट्रिप पे निकले हैं असल में, औरंगाबाद टू दिल्ली ट्रिप है हमारा। और इस ब्लॉग में मतलब काफ़ी अमेजिंग होने वाला हमारे ब्लॉग जो बनने वाले हैं इनके साथ में, इन सभी दोस्तों के साथ में काफ़ी मस्त होने वाला, इन्वेस्टेड होने वाला है। तो आप हमारे साथ ऐसी बने रहो और अगर नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे हम। तो इसको कंटिन्यू करते, खाना आता है देखते हैं, खाने को इंजॉय करते हैं। ज़्यादा चिकन फिर चिकन कौरमा ले लिए पहले हमने, बटर चिकन के ऐसे टाइम था वैसा है क्या मालूम थे कैसा है। ये आ गया बटर चिकन, बटर चिकन ट्राई करके देखिए पहले। बोलो ना अखिल भाई, बोलो ना, बटर जा बटर खा खा के है ना, बटर बन जाओ। बोलो तुम, आवाज कट रही है तुम्हारी। अब बटर चिकन के बाद आ गए बिरयानी, अब बिरयानी टेस्ट करेंगे। बटर चिकन से टेस्ट करके अच्छा लगा, ये दिन टेस्ट कर लेंगे एक बार। बहुत कैसी लग रही सालन चावल? बोलो हाँ सही सही बोलो सही। ये एकदम ऐसा लग रही है कि चिकन का सालन में राइस डाल के, ये ऐसा लग रहा है जैसे इसमें खाली सिर्फ वाइट राइस बॉईल किया हुआ है और फिर तीन चार कलर छोड़ दिए। अच्छा बिरयानी, हालांकि बिरयानी उबले हुए चावल के मसाले कुछ करी रहती है, इसमें चीनी नहीं है, मसाले शायद ये दिल्ली वालों की बिरयानी। अरे दिल्ली वालों करो क्या, दिल्ली वालों करो बिरयानी दम होना। जान दो देखते हैं। तो उसके बाद गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी लाल किला। लाल किला इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब होगा खाना वाना खा के, मतलब मैंने कहा बटर चिकन खा लिए तो ज़्यादा हैवी होगा खाना, बटर भी और चिकन भी दोनों मिक्स हो गए, ज़्यादा डबल होगा। तो उस वजह से नहीं कि अब हमने सोचा कि आप रिक्शे से नहीं चलते, पैदल चलते, क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर का है लाल किला। जामा मस्जिद से लाल किला 2.5 किलोमीटर का है, तो हमने सोचा कि पैदल चलते, इसमें नहीं किया थोड़ा सा पैर भी अच्छे मोबले हो जाएंगे और अच्छा भी रहेगा चलने, खाना भी आजम हो जाएगा। तो सो चलते हैं अब लाल किले में, बाकी का आप कुछ करेंगे आपके साथ और दिखाते हैं आपको लाल किले का कैसे सीन है, क्या है क्या नहीं कैसे। तो बने रहो हमारे साथ वीडियो में, तो चलते आगे। धन्यवाद।